हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स स्कूल टाइम। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी इंडिया में लॉन्च किया गया है उसके ऊपर है, और ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो मेरा रेगुलर वीडियो होता है उससे थोड़ा अलग है। मेरा जो रेगुलर वीडियो मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर होता है गवर्नमेंट एग्जाम का, बट ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, ये जो पॉलिसी लाया गया है हमारे इंडिया में, इससे तो थोड़ा चेंजेस आया ही हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, बट ये दिस साल यानी कि 2020 में यह लागू नहीं होगा, ये 2021 से यह लागू होगा एंड 2030 तक इसको क्या एग्जिस्टेंस का थोड़ा एग्जिस्टेंस का इसका यार समझा गया है, ठीक है। बट 2030 से ये फिर से लागू हो सकता है, वो डिपेंड ऑन 2030, ठीक है। तो अभी आइए देखिए क्या क्या चेंजेस इसमें, मेजर चेंजेस आया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, जो नंबर वन इसमें मेजर चेंज है, जो हम लोग का जो स्कूलिंग लेवल का जो स्टडी होता है उसको चेंज किया गया है, और उसका चेंज का पैटर्न क्या है देखिए। अभी जो अभी पैटर्न आया है वो है 5+3+3+4। इस पैटर्न में अभी एजुकेशन स्टार्ट किया जाएगा स्कूल लेवल से, ठीक है। देखिए, पहला जो 5 ईयर्स का जो एजुकेशन होगा वो फाउंडेशन स्टेज होगा, ठीक है। और इस 5 ईयर्स में इंक्लूडेड होगा 3 ईयर्स का प्री प्राइमरी स्टेज, एंड जो उसके बाद 4th ईयर होता है उसमें होगा क्लास 1 एंड 5th ईयर में होगा क्लास 2, ठीक है। तो ये हो गया पहला 5 साल का स्टेज, ठीक है। और इस स्टेज में आप सबको जो स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, इसमें स्पोर्ट्स भी मिलेगा एंड एक्स्ट्रा करिकुलम में इसको इसमें भाग लेने के भी इन सबको हेल्प होगा और इसको मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी आइए सेकेंड जो 3rd ईयर का पार्ट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अभी देखिए, पहला 5 ईयर्स चला गया, तो अभी देखिए 3rd ईयर में क्या गया, इसमें इंक्लूड हो गया क्लास 3 से 5 तक। तो अभी देखिए, इस जो स्टेज होगा इसमें जो मेकिंग द स्टूडेंट्स ब्राइट फ्यूचर होगा, अभी फ्यूचर इसमें क्रिएट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इन सब सब्जेक्ट का भी यहाँ पे क्या होगा, उन सबको मिल जाएगा, ठीक है। अभी उन सब इन सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे, वो जो पार्ट 3 है, यानी क्लास कहाँ से होगा, ये क्लास 3 से उन लोग को पढ़ने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो 3rd ईयर है, यानी जो तीसरा 3rd ईयर है उसमें क्या आता है, ठीक है। इट इज़ इंक्लूड द क्लास 6 टू क्लास 8, ठीक है। इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक इसको इन्वॉल्व किया गया है, एंड इट इज़ द मिडिल स्टेज ऑफ द स्कूल लेवल, ठीक है। तो अभी आइए जो लास्ट 4th ईयर है उसमें क्या इन्वॉल्व है, इट इज़ इंक्लूड द क्लास 9 टू 12, ठीक है। इसमें क्लास 9 टू 12 इंक्लूड किया गया है, एंड इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द स्कूल लेवल, ठीक है। और इन दिस जो स्टेज होता है, स्टूडेंट्स आर गैदर द नॉलेज ऑन देयर लाइक ए वो सब्जेक्ट। ये जो स्टेज होगा 4 साल में, इसमें हर एक स्टूडेंट को मौका मिलेगा उसके लाइकेबल सब्जेक्ट में उसका जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए वो गैदर कर सके, ठीक है। ये हो गया पूरा पहला का जो न्यू पैटर्न है उसका जो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 5+3+3+4 इस पैटर्न में अभी जो स्कूल लेवल है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आइए नंबर 2 में, देखिए नंबर 2 में एक मेजर चेंज जो आया है वो स्ट्रीम में आया है। देखिए, अभी जो HS 1st ईयर से जो हम लोग एक स्ट्रीम का सिलेक्शन करते थे वो अभी नहीं होगा, ठीक है। अभी का सिस्टम में क्या है देखिए, देयर इज़ नो स्ट्रीम सिस्टम, देयर इज़ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं है। अभी एक साइंस का स्टूडेंट वो कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकता है, और कॉमर्स का सब्जेक्ट एक आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन दिस सिस्टम न्यू पॉलिसी, देयर इज़ ए क्या बोला है यहाँ पे देखिए, पोल सिस्टम और ग्रुप सिस्टम सेट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे मेक किया जाएगा, जिससे कि हर एक स्टूडेंट एज द रिक्वायरमेंट वो सिलेक्ट कर सके क्या क्या सब्जेक्ट उसको चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट उनको नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। तो अभी ये नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में पॉइंट में क्या है, टिल द क्लास 5 ऑल स्टूडेंट्स स्टडी अंडर देयर मदर लैंग्वेज। क्लास 5 तक हर एक स्टूडेंट को उसके मदर लैंग्वेज में उसको पढ़ना पड़ेगा, या फिर नेशनल लैंग्वेज हो या फिर हर एक स्टेट लैंग्वेज में भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश भी होगा, बट इंग्लिश जो है वो इंक्लूडेड एज ए सब्जेक्ट होगा, बट जिसका इंग्लिश एक मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 3 चेंज, ठीक है। अब ये नंबर 4 में क्या है, एक मेजर चेंज है क्या है देखिए, फ्रॉम क्लास 6 स्टूडेंट लर्न अबाउट द कंप्यूटर कोडिंग, ठीक है। अभी क्लास 6 से क्या होगा, स्टूडेंट को कंप्यूटर कोडिंग में बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सॉफ्टवेयर मेकिंग होगा, मोबाइल ऐप मेकिंग होगा, एक्सेट्रा, इन सब के बारे में क्लास 6 से ही हर एक स्टूडेंट को सिखाया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम क्लास 6 स्टूडेंट गेट ए चांस फॉर पार्टिकुलर इन प्रैक्टिकल इंटर जो इंटर्नशिप होता है ना, उसमें भी उन सबको पार्टिसिपेट करने का सुविधा मिलेगा, ठीक है। ये आ गया क्लास 6 से हम सबको मिल गया स्टूडेंट को, ठीक है। यह था नंबर 4। अभी आइए नंबर 5 चेंज, देखिए नंबर 5 चेंज क्या आ रहा है, जो 5 चेंज आ रहा है, फ्रॉम क्लास 11 क्लास 9 टू क्लास 12 एग्जाम्स आर कंडक्ट अंडर द सेमिस्टर बेसिस, ठीक है। अभी क्या हो गया, क्लास 9 से 12 तक क्या हो गया, अभी सेमिस्टर बेसिस कंप्लीट।
एग्जाम आ गया, ठीक है, दैट मीन द वन ईयर स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर टू फाइनल एग्जाम, ठीक है, एक साल में दो फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को क्लास 9 से 12 तक, ठीक है, ये हो गया नंबर 5 चेंज। अब ये नंबर 6 में मेजर चेंज क्या है, देखिए फॉर एडमिशन इन ए कॉलेज, हर एक कॉलेज में स्टूडेंट को एडमिशन लेना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन तो चाहिए आफ्टर हायर सेकेंडरी के बाद, ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखिए हर एक स्टूडेंट को एक चांस मिलेगा किसमें, फॉर इम्प्रूविंग हिज जो परफॉर्मेंस हुआ है स्कूल में, जो मार्क मिला उसको अगर इम्प्रूव करना है तो उनको एक चांस मिलेगा, फॉर अटेम्प्ट और फ्रॉम द कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एक एग्जाम होगा CAT जिसको बोलते हैं, उस एग्जाम के थ्रू उन सब वो सब अपना जो मार्क है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उन सबको उसके उन सबके जो फेवरेट कॉलेज है या फिर जहाँ पे वो पढ़ना चाहते हैं उसमें उनका सिलेक्शन हो जाए या फिर एडमिशन मिल जाए, ठीक है, वो सब मार्क गेट कर सकते और उसको ऐड कर सकते अपने स्कूल परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है, ये हो गया नंबर 6 पॉइंट। अब ये नंबर 7 में देखिए, नंबर 7 का पॉइंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ग्रेजुएशन के बारे में, देखिए हर एक ग्रेजुएशन अंडर 4 स्टेज, अभी जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 स्टेज के अंडर होगा, बट इसमें भी सिलेक्शन है, स्टूडेंट कभी भी छोड़ सकते हैं, देखिए कोई स्टूडेंट अगर पहला एक साल में अगर पढ़ाई करके छोड़ गया तो वो भी छोड़ सकते हैं, नंबर 2 साल में भी छोड़ सकते हैं, थर्ड में या फिर फोर्थ में भी छोड़ सकते हैं, और छोड़ने के बाद उन सबको तुरंत ही क्या मिलेगा, उन लोग को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और को जो कोई भी हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, देखिए क्या मिलेगा छोड़ने के बाद, देखिए अगर फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट ने छोड़ दिया तो उन सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर सेकेंड ईयर में छोड़ा तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर में होगा तो बैचलर डिग्री एंड फोर्थ में छोड़ा तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च मिल जाएगा उन लोग को, ठीक है, तो ये था, ये हो गया नंबर 7 पॉइंट, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट प्रोसेस, ठीक है, कभी भी कोई भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है या फिर उसे बाहर भी निकल सकता है, ठीक है, और हर एक को यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी है नंबर 8 पॉइंट जहाँ पे चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ, देखिए फॉर ए टीचर बीएड इज नाउ कंपल्सरी, हाँ बीएड अभी क्या हो गया पूरा कंपल्सरी हो गया और ये 4 ईयर्स बेसिस है, ठीक है, 4 ईयर्स बेसिस ये बीएड होगा अभी, ठीक है। नाउ एमफिल इज नॉट एग्जिस्ट, ये 9 नंबर पॉइंट में, एमफिल अभी नहीं है, एमफिल का इस अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अभी देखिए नंबर 10 में क्या, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस संस्कृत लैंग्वेज विल रिसीव ए हायर प्लेस, अभी संस्कृत का भी एक यहाँ पे अभी क्या होगा, एक इसका जो पार्ट है उसका हाई हो जाएगा हर एक स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल में, ठीक है। अभी आइए नंबर 11 में, देखिए सॉन्ग्स एंड आर्ट्स एंड लिटरेचर आर द सब्जेक्ट इन द कॉलेज, अभी एक कॉलेज में सॉन्ग्स आर्ट्स एंड लिटरेचर की भी यहाँ पे चांस होगा, किसी स्टूडेंट को अगर इसमें भी इंटरेस्ट है तो वो सब भी ये ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। और जो 12 नंबर है, देखिए इट विल बी ए फिक्स्ड फी फॉर ऑल स्कूल लेवल, हर एक स्कूल लेवल में फिक्स्ड फीस होगा एंड कॉलेज में भी सेम होगा, एक फिक्स्ड फीस से उन लोग को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। ये था मेजर 12 चेंजेस जो हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए एंड इसको समझने की जरूर कोशिश कीजिए, जैसे कि आप सबको आसानी हो जाए, ठीक है। और अच्छा कर तो आप सबको इस वीडियो भी अच्छा लगा होगा, मेरा जो हर एक वीडियोस होता है, जो प्रोफेशनल वीडियोस होता है मेकिंग ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर, और ये थोड़ा अलग था वीडियो इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बट मुझे लगा कि आप सबको थोड़ा बताया जाए इसके बारे में इजीली, हाँ, जिससे कि आप सबको समझने में आसानी हो जाए क्या होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, एंड अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल में आइए, चैनल का नाम है स्कूल टाइम, एंड वहाँ पे आइए तो आप सब ज्वाइन कीजिए एंड गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपेयर भी कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इन टच।